पूरे देश को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को ताक पर रखा हुआ है, इसे अपनी बहुत ही मानती है, और किस प्रकार से चुनाव आयोग इस वक्त मोदी आयोग बन के काम कर रहा है। चुनाव के अंदर हर प्रकार की गलत प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। भाजपा जो चाहे वो करे, खुल के कर रही है, और चुनाव आयोग उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बात कल की है, जब मैं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होने के नाते विभिन्न बूथों के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए गया, तो करीब करीब हर बूथ पे जो मुझे देखने को मिला वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। नियम कहता है कि चुनाव के दिन किसी भी पार्टी का सिंबल तक पोलिंग स्टेशंस के 200 मीटर के दायरे में दिख नहीं सकता है, ये नियम कहता है। लेकिन ये नियम सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये चुनाव आयोग ने बताया नहीं। जो अप्लीकेबल है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के लिए है, जिसका मैं आपको आज प्रमाण दूंगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आप कुछ भी करें, पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर प्रचार करें, जब पोलिंग हो रही हो तब भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात का मैंने कल ट्वीट करके भी देश की जनता को बताया था। जब 134, 135, 137 जो मालवीय नगर असेंबली के बूथ थे, जब मैं वहां पहली बार गया तो मुझे जो देखने को मिला वो बड़ा हैरान करने वाला था। ये देखिए, इस प्रकार के पैम्पलेट्स भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथों के पोलिंग इंचार्जेस ने अपने टेबल पे डिस्प्ले कर रखा था। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी ड्यूटी थी, जो सेक्टर ऑफिसर है उसकी ड्यूटी थी, जो पुलिस के लोग थे उसकी ड्यूटी थी कि थैले में जो कुछ भी ले जा रहा है वो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगा एक्सेप्शन है ये, और सबने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को, मुझे कुछ पुलिस के साथियों ने भी कहा कि पोलिंग एजेंट्स अंदर पोलिंग के अंदर बैठे हुए सैफरन रंग का टी शर्ट, सैफरन रंग का बैग लेकर के घुसे थे, और सेक्टर ऑफिसर कुछ पुलिस वालों के विरोध के बावजूद परमिट किया और उनको बैठने दिया। चलो, लेकिन जब ये चीज डिस्प्ले हो रहा है पोलिंग बूथ के इंचार्जेस के जरिए, जो भाजपा के लोग हैं, अब इसमें क्या क्या वायलेशन है? इसमें सिंबल है, पार्टी के उम्मीदवार का फोटो है, माननीय मोदी जी का फोटो है, बैलेट नंबर है। अगर किसी को आप ऐसे ऐसे करते रहो वहां बैठ के, तो ये तो सीधा आप वहां सोलिसिट कर रहे हो वोट को, सीधा प्रचार कर रहे हो किसको वोट दो। जब मैं मालवीय नगर से निकला, जब मैंने इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया, उसके बाद फिर विभिन्न पोलिंग स्टेशंस जो मालवीय नगर में था वहां भी गया, जहां मैं वोट डालने गया, जो मेरा अपना बूथ नंबर था 117, उसके अंदर भी पोलिंग जो इंचार्ज था, जो बूथ इंचार्ज था भाजपा का, इस प्रकार का पैम्फलेट लेके बैठा हुआ था।
118 में बैठा हुआ था, फिर वहां से निकल के आरकेपुरम गया। आरकेपुरम के अंदर भी यही हालत थी, वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर पोलिंग बूथ हो वहां भी यही था। जो जी ब्लॉक एमसीडी कोएड प्राइमरी स्कूल नानकपुरा था वहां भी यही था। तो वहां एक और घटना है, बूथ नंबर 12 या 13 दोनों में जब मैं अंदर घुसा और देखा किस प्रकार से पैम्पलेट्स लोग लेके बैठे हुए हैं, जब मैंने ऑब्जेक्ट किया और जब बाहर आकर के जो क्या नाम था गिरिराज जो गिरिराज नाम का पुलिस अधिकारी था, उनको मैंने कहा कि भाई इस प्रकार के पैम्पलेट्स भाजपा के पोलिंग एजेंट लेके बैठे हुए हैं, तो उसका जो रवैया था वो लगा कि वो कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार है, कि वो इसका हिस्सा है। वो कह रहा था कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बात कर लीजिए सेक्टर ऑफिसर से। मैंने कहा सेक्टर ऑफिसर का नंबर दे दो, मैं नहीं दूंगा आपको। और उसकी हिम्मत देखिए कि वो हमारा फोन छीन लेता है। मैं एक प्रोमिनेंट पार्टी का कैंडिडेट हूँ, नेशनल पार्टी कैंडिडेट हूँ, मैं दोनों नेशनल पार्टीज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार हूँ। उस पार्टी के उम्मीदवार के फोन को आप छीन लेते हो और कहते हो मैं फोन नहीं दूंगा, आप बैठिए, आपको फोन प्रोसेस से मिलेगा। तो मैंने कभी क्या चक्कर है, और सिर्फ मुझे फोन नहीं छीना, जो मेरा व्यक्ति है, जो मेरा वीडियोग्राफर है, जो मेरा फोटोग्राफर है, जो मेरे साथ चल रहा था पूरे प्रोसेस में, उसको वहां बैठा लिया, कहते जाने नहीं देंगे। और आसपास जो लोग खड़े थे जो उसको फिल्म कर रहे थे उसके फोन भी छीन लिए। तो तीन फोन उसने गिरिराज ने छीन लिया। और जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो कहता है कि भाई हम आपको नहीं देंगे। और जब हमने कहा कि चलो ठीक है फोन रख लो, मुझे रिसीविंग दे दो, तो रिसीविंग ही नहीं दूंगा। तो कल जो गुंडागर्दी दिखाई है गिरिराज नाम के व्यक्ति के पुलिसमैन ने, वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है कि दिल्ली पुलिस क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सहारे पे चलेगी, या उनकी ड्यूटी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके ऊपर पूरी उनकी उनका सारा बल होता। लेकिन जिस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस के इस अधिकारी ने दिखाया गिरिराज ने, उन्होंने ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार है। जब फोन उनको पास छोड़ कर चला गया, सेक्टर ऑफिसर जब आया उसने अपने आंखों से इन चीजों का जाकर के देखा उन पोलिंग बूथ पे, माना कि हाँ ये गलत है और ऐसा करना कानूनन अपराध है। लेकिन भाजपा के पोलिंग एजेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। ये बहुत दुखद भी है, डरावना भी है, भयावह भी है कि किस प्रकार से देश का प्रजातंत्र आज भाजपा के कारण खतरे में है, किस प्रकार से उन्होंने हर संस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये होना कोई इस बात की निशानी है कि चुनाव आयोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। हमने पहले भी आपके माध्यम से देश को अवगत कराया कि किस प्रकार से जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी थी, ओरिजिनली उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब एलओपी थे और सीजीआई थे, लेकिन सीजीआई को हटा करके जब पीएम साहब ने एक अपना आदमी डाल दिया तो 3 में से 2 भाजपा के, तो इनको रॉकेट साइंस उम्मीदवार का इस प्रकार से पैम्पलेट लेके डिस्प्ले कर रहा है उससे उसको इतराज नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने, जैसे मैंने ऑब्जेक्शन किया तो कैसे इसको दिखाया गया वहां, वो पूरी बात देखिए कि कैसे वहां पे चल रहा है अपनी ताकत का दुरुपयोग का पूरा डिस्प्ले चल रहा है फुल ऑन। दिखाना भैया पहले, देखो फर्स्ट टाइम मुझे दिखा रहा।
क्या वो नहीं इसमें इंटरनेट है वेद नेट खोलो वैसे मैं इसको दिखा दूं पहले ये देखिए इस प्रकार से भाजपा का पोलिंग एजेंट है और उसने डिस्प्ले हो रहा है देखिए उसके टेबल पे थोड़ा वहां पे खड़े हो जाए दिखा दो ये ठीक है ये देख लीजिए भाजपा का पोलिंग एजेंट सैफरन कलर का टी शर्ट सैफरन कलर का बैग और बैग के ऊपर टेबल के ऊपर ये पैम्पलेट लेके बैठा हुआ है दिस ये जो सीन है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर का सीन है और दिखाइए और ये जो स्कूल था ये था दिल्ली नगर निगम प्राथमिक सह शिक्षा विद्यालय कोटला मुबारकपुर यह है पोलिंग स्टेशन का नाम और वो जो फोटो आपने देखी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर की सीन थी अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो सेक्टर ऑफिसर है इसमें ऑडियो है बाबू ऑडियो है इसके अंदर उसकी जो बातचीत है देखिए आप वो क्या जस्टिफाई कर रहा है के आपने सुना कि सेक्टर ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव है और उस पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज है वो जस्टिफाई कर रहा है कि कोई बात नहीं इन पैम्पलेट से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया
अब जब वो टेबल पे रख के बैठा हुआ है तो उसको इससे आपत्ति नहीं है। मुझे देख करके हैरानी हो रही है, सुनकर के बड़ी हैरानी हुई कि भाजपा के गलतियों के ऊपर इस प्रकार से पर्दा डालने वाला इलेक्शन कमीशन अपनी दास्ता का परिचय दे रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई कुछ भी हो, अगर गलती भाजपा वाले ने की है तो 100 खून माफ है। इसको हिंदी में कहते हैं कि सैया होए कोतवाल तो डर काहेगा। और ये चीज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने मैं पोलिंग स्टेशन पे गया हूं, जितने पोलिंग बूथ पे गया हूं, करीब करीब हर पे भाजपा के पोलिंग एजेंट को खुली छूट थी कि आप पैम्पलेट लेके वहां बैठिए और वहां पे भी वोट्स को सोलिसिट करिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करिए, पहली चीज। दूसरा, ये जो सेक्टर ऑफिसर है वो कह रहा है कि नहीं नहीं वहां पे 10 नहीं थे, 1 थे। मेरे पास देखिए अभी भी ये 4 की संख्या मेरे पास है। उस थैले में कुछ नहीं तो 20-25 प्रकार के उसके पैम्पलेट्स पड़े हुए थे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे, जो बाहर टेबल लगा के बैठे हुए थे, उनको कैप तक अलाउ नहीं किया पहनने को, जो व्हाइट कैप पहनते हैं। और भाजपा का पोलिंग एजेंट अंदर घुस करके सैफरन कलर का पहन के बैठा हुआ है, उस पर आपत्ति नहीं है इलेक्शन कमीशन को। आम आदमी पार्टी का बाहर के टेबल पे 4 कुर्सी हो, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन को आपत्ति थी हमारे एक्स्ट्रा चेयर्स पे। लेकिन भाजपा के 10 चेयर हो, 20 चेयर हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पे अपना जो लेजिटिमेट बैनर है वो ना लगा सके, भाजपा वाला वहां पर्चे बांट रहा है। और तो और, जो इंडिया टुडे के एक क्लिप आई जिसमें कि बासुरी जी जो भाजपा प्रत्याशी थी अपनी वोट डालने जा रही हैं, उनके हाथ में भी जो पर्चा है वो उनका पैम्पलेट है, वो खुद पैम्पलेट लेके अंदर जा रही हैं, इंडिया टुडे के क्लिप में है। तो ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कोई आपत्ति नहीं है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग पूरी चरण दंडवत कर रहा है माननीय मोदी जी का कि जो कुछ भी हो, हमारे आका हैं, हमारे एम्प्लॉयर हैं, हमको इन्होंने नौकरी दी है, तो जो मर्जी करो, चुनाव को के अंदर जितना वायरेशन करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं जब मैं शाम को 6:30 बजे जब मुझे सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली नगर निगम का कोई प्राइमरी स्कूल नानकपुरा में चुनाव के बक्से बंद नहीं किए गए हैं, तो जब मैं वहां पहुंचा और जब मैंने इस बात पे आपत्ति उठाई, मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे अंदर अलाउ करो, मैं जाके देखना चाहता हूँ, दिखाई गए। तो ये वीडियो अब आपको दिखाता हूँ। आपने इसके अंदर देखा कि जो पुलिस के साथ बहस चल रही है,
मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इंडियन एम्स का उम्मीदवार हूं, मेरा हक है अंदर जाने का, देखने का कि भाई किस प्रकार से आप बॉक्सेस को दिल्ली क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो गेट खोलने को तैयार नहीं है, कहते हैं आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और इस बात का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्ता है, क्योंकि पहले फेज के चुनाव के बाद के 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग परसेंटेज 6% बढ़ा दिए थे। तो एज ए उम्मीदवार मेरा हक है कि अंदर क्या कर रहे हो तुम बॉक्सेस के साथ। तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपके जरिए बताना चाहता हूं देश को कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया है। चुनाव के बाद ये बॉक्सेस के साथ क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, और मुझे उम्मीदवार के रूप में जाने का अधिकार एक हक था, मुझे नहीं जाने दिया। आखिरकार जो मेरे साथ महिला साथी बैठी है प्रवीण कटारिया जी, ये सारी चीज को फिल्म कर रही थी और जिस क्षेत्र फिल्म कर रही थी पुलिस ने हाथ डाल के और इनका हाथ अंदर खींच लिया, इनका फोन छीन लिया। ये प्रवीण कटारिया जी हैं, मैं इनको बोलूंगा आपसे बात रखेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार किया और संवैधानिक तरीके से एक उम्मीदवार जिसका संवैधानिक हक है अंदर जाने का, चेक करने का क्या हो रहा है मेरे बॉक्सेस के साथ, नहीं जाने दिया। और कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो भी कैसे सारे पुलिस के लोग आ गए और किस प्रकार से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हम ये ब्रेस का बैट लाइट बंद कर देना भैया। अब ठीक है, माफ करना वो वहां पे स्क्रीन पे नहीं ला सका थोड़ा सा। ये मेरी बातचीत उन जो एसीपी साहिबा हैं उनके साथ है। ये एसीपी साहब है गरिमा त्यागी जी, इनके साथ बातचीत है।
तो आपने देखा किस प्रकार से गरिमा त्यागी जी जस्टिफाई कर रही हैं, जस्टिफाई कर रही हैं कि फोन छीनना वाजिब था, महिला का हाथ खींचना वाजिब था, वो भाजपा को चुनावी प्रक्रिया में धांधली कराने के लिए सेक्टर ऑफिसर कुछ भी करे वो वाजिब था, आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके जरिए पूरे देश को बताना चाहता हूं कि देश का लोकतंत्र वाकई खतरे में है। कुछ ही क्षणों में, क्योंकि सोमनाथ भारती उम्मीदवार मांग कर रहा है कि मेरे बॉक्सेस सिक्योर नहीं है, मुझे रोकने के लिए वहां पे कम से कम 250 पुलिस वाले आ गए, डीसीपी, एसीपी, एडिशनल डीसीपी सब आ गए, और फिर मेरे फोन को छीन लिया उन्होंने, क्योंकि वो उनका कहना कि हम तो कैप्चर करेंगे जो यहां पे हो रहा है, लेकिन आपका हक नहीं है कैप्चर करने का। तो वो भाजपा के को सहयोग करने के लिए कुछ भी करें वो आप कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ बोलेंगे उनको वो कैप्चर कर सकते हैं। इस वक्त पूरा पुलिस विभाग, पूरा चुनाव आयोग भाजपा को खुली मदद कर रहा है। चुनाव खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और हम देख पा रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का, हर प्रकार का हेल्प करने को तैयार है और कर रहा है। ये मैं आपके जरिए देश को बताना चाह रहा था। एक चरण का चुनाव और रह गया है, आपके जरिए उन राज्यों तक, उन लोगों तक बात पहुंचे जिनको भी वोट देना है। सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करें कि भाजपा का अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक ये जो तानाशाही रवैया है, इसके खिलाफ सारे देश को मिलकर के, जहां जहां अभी चुनाव होना रह गया है, सब लोग फैसला करें कि इस प्रकार का रवैया संवैधानिक नहीं है, नहीं चलेगा। ऐसी ताकतों को देश से भगाना पड़ेगा, तभी जाकर संविधान बच पाएगा, लोकतंत्र बच पाएगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ आई हैं वरुण कटारिया जी, वो भी अपनी बात, जिस प्रकार से इनका फोन छीना गया और कैसे इनके साथ व्यवहार हुआ, कैसे छीना झपटी हुआ, वो भी। जय हिंद साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है आपको कि देश में लोकतंत्र जो है वो खत्म होता जा रहा है। लोकतंत्र संविधान कहाँ है, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? जब हमारे आदरणीय सोमनाथ भारती जी अंदर जाना चाह रहे थे, क्योंकि जो बैलेट बॉक्स थे उनके साथ गड़बड़ हो रही थी, तो मैं अपने फोन से वीडियो कैप्चर कर रही थी, तो उन्होंने अंदर पुलिस थे, मेल पुलिस थी, उन्होंने प्रॉपर हाथ डाल के और मेरा अंदर हाथ खींचा और मेरे से फोन छीन लिया, और उस छीना झपटी में मेरे हाथ